सबसे ज्यादा खर्चा तो आज हुआ है वॉशिंग में। सो ग्रीसिंग चालू हो चुका है, हीटेड सीट के भी ऑप्शंस आ गए कल किरण की गब्बर पे जब भी हम लोग स्टोर पे आ रहे थे वो टाइम पे भी गोप्रो पे कुछ शूट किया था। माइक का सेटिंग मैंने बराबर से चेक नहीं किया था, स्टैंडर्ड माइक प्लस पे नहीं डालना है, शायद वो 20 डेसिबल्स ज़्यादा बढ़ा के दिखाता है, तो इसलिए अभी स्टैंडर्ड माइक पे डाला है। तो अभी यहाँ से ठाणे मोटर अड्डे जाते वक्त देखते कि कैसे होता है। तो 4,500 किलोमीटर हो चुके अपनी अप्सरा गब्बर 1250 GS पे, और उस पर शाफ्ट ग्रीसिंग करना पड़ेगा, 5,000 किलोमीटर पे करना पड़ता है। मैंने काफ़ी लोगों के देखे, मतलब इंटरनेशनल GS पे भी देखा है, फर्स्ट सर्विस के टाइम पे भी वो लोग कर लेते हैं। तो शाफ्ट क्या होता है, चेन को रिप्लेस करता है, बेल्ट ड्राइव भी होता है, शाफ्ट भी होता है। तो अपनी GS पे 1250 GS पे जो है शाफ्ट है, तो शाफ्ट को ग्रीसिंग करेंगे बिकॉज अगली राइड लंबी होने वाली है। तो अभी शाफ्ट को अगर ग्रीस करने के बाद अगर कुछ डिफरेंसेस है तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंसेस लगे। एंड फ्रंट टायर जो है, फ्रंट टायर वहाँ पे एक मडगार्ड एक्सटेंडर आता है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये अगर आपको दिख रहा है तो इसको ये और एक्सटेंड करेगा, ये नहीं होने की वजह से आप ये देख सकते हो, देखो ये पूरा इधर कीचड़ कीचड़ लगा हुआ है। बाइक वॉश करने नहीं मिली तो बाइक भी वॉश करेंगे, तो ये पूरा कीचड़ कीचड़ हुआ है। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंडर आएगा ना, वो ऑलमोस्ट 5-6 इंच का है, तो ये कीचड़ नहीं आएगा। एंड ये तो ऑफ रोडिंग भी नहीं थी, नॉर्मल राइड्स, थोड़ी सी बारिश हुई थी उसके वजह से हुआ था। तो जस्ट इमेजिन बारिश होगी, ऑफ रोड करेंगे तो ये पूरा ख़राब हो सकता है। जो फेंडर है उसका एक्सटेंडर मुझे मिल नहीं रहा है, निशान दे देगा, तब तक हम लोग ये काम करेंगे। ये दिख रहा है आप लोग को, सो ये कुछ मास्क नहीं है, ये अपनी जार्विस नॉन मैग्नेटिक जार्विस का बेस है और इसमें स्लाइट चेंजेस किए हैं हम लोग ने, तो ऑलमोस्ट फाइनल है ये। तो ये वाला मैं GS पे लगाऊंगा बिकॉज लास्ट टाइम हम लोग साउथ गए थे, मैंने एज अ टेल बैग यूज़ किया था, बट इतने हॉरिबल पॉट होल्स और बीच बीच में इतने रमलर्स और ये आते, एंड टैंक बैग में मेरा कैमरा होता, तो आई डिड नॉट वॉन्टेड टू टेक अ चांस। तो अब ये डेफिनेटली वंस एंड फॉर ऑल टैंक बैग पे ही रहेगा कैमरा, और टैंक बैग टैंक पे ही लगेगी। मतलब पूरे बाइक में सबसे स्टेबल जो होता है वो टैंक होता है, उसके बाकी और जगह पे सब जगह पे वाइब्रेशंस रहेगी, या फिर जो भी आपको पॉट होल जाएंगे, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, वो सब बाकी हैंडल बार हो गया, टेल बैग, टेल सीट हो गया, पिलियन सीट हो गया, टेल रैक तो सबसे ज़्यादा शेकी रहता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप रखते हो तो अवॉइड करो वो सब जगह पे। टॉप बॉक्स में अगर बैग के अंदर रख रहे हो तो रखो, बट अगर आप टेल बैग यूज़ कर रहे हो तो टेल बैग के अंदर अच्छे से कुशन करके लैपटॉप को रखो। तो अभी ये बेस माउंट लगाएंगे हमारी GS पे, तो लेट्स गो। लग चुकी है और ये मेरे पास ये भी है, ये भी फटाफट चलते, लेट हो गया है, 3:30 हो गया है, तो निकलते हैं और ये वहाँ पे बताता हूँ BMW में। सो फर्स्ट टाइम जार्विस ऑन GS अप्सरा, गाइस बताओ क्या ये व्यू ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे लग रहा है आप लोग को? चलाते वक्त तो अभी इतना कुछ लग नहीं रहा है मुझे, अभी मेरे तो बॉडी के आसपास भी नहीं है, काफ़ी स्पेस है। सुबह वाइजर बंद करके बात कर रहा हूँ मैं, और ये स्टैंडर्ड माइक में है अभी। ये भाई स्लो क्यों हो गया इतना, आप लेफ्ट जा सकते हो चीचा, रूल फॉलो करने के लिए नहीं फॉलो कर रहा था, ट्रैफिक वाले रहते हैं यहाँ पे इसलिए, बट यहाँ पे अपने लिए फ्री लेफ्ट होता है। और
और ये आगे अपना लवली ट्रैफिक। मुंबई में अंदर आना और बाहर जाना इट्स अ टास्क। ये अच्छा है, ओनिंग अ BMW इज गुड। ठाणे में भी है, मुंबई साइड में भी ऑप्शन है। स्टॉप डू नॉट एंटर, इधर रुकना है हमें। नवीन बोर्ड आला वाटा, नवीन बोर्ड आला। हाँ अरे क्या होता है, डायरेक्ट घेऊन येतात ना। यहाँ पे पूरी बाइक्स बाइक्स बाइक्स, पीछे बाइक्स, आगे बाइक्स, सब जगह पे बाइक्स। बहुत सही एनवायरनमेंट है एंड सर्विस सेंटर भी बहुत मस्त बड़ा एंड मज़ा आता है यहाँ पे टाइम स्पेंड करने का। सो ग्रीसिंग चालू हो चुका है, उसके पहले ये सब टायर वायर निकाल के ये रबर बुश भी निकालते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट है, ये रबर है ना, तो अगर ये टूट गया कहीं पे क्रैक हो गया तो अंदर पानी वानी जाने के चांसेस है, तो ये रेडीली अवेलेबल है इन लोग के पास, दैट्स द गुड पार्ट। 3000 यू कैन सी 3883 का है प्राइस है इसका, छोटा सा रबर आइटम बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी इसमें पूरा ग्रीसिंग होगा तो उसके बाद में परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ जाएगा। ये अभी यहाँ पर लग जाएगा ऐसे। और एक गुड न्यूज़ फॉर 1250 GS गाइस, यहाँ पे देखो ये हीटेड सीट के भी ऑप्शंस आ गए हैं। मैंने पूछा है कि इसमें है कि नहीं है या फिर एज अ एक्स्ट्रा एक्सेसरी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं, कि अभी मेरे गाड़ी में तो नहीं है। तो जब भी बहुत ठंडा होती है तो ये हीटेड सीट का बहुत काम में आता है। दिस इज ऑल्सो डन, अभी ऑलमोस्ट डन हो गई है। चलो डन विद द माइनर सर्विसिंग, ग्रीसिंग हो गया है मस्त। ग्रीसिंग अभी जाते वक्त ही समझ जाएगा कि अरे 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 रुको रुको रुको, मैं भी रुक रहा हूँ। स्लो चल रहे थे, गाड़ी देखा एकदम डायरेक्ट डाल दिया। लॉन्ग डे, अभी स्टोर पे पहुँच रहा हूँ मैं। सबसे ज़्यादा खर्चा तो आज हुआ है वॉशिंग में, 750 रुपीज़ प्लस GST लगा के वॉशिंग का खर्चा हुआ है। बाकी का बता तो क्या क्या हुआ है। ये अच्छा रैप वैप किया है कुछ। बहुत लंबा दिन था, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत टाइम लग जाता है उसमें। वॉशिंग वगैरह हो चुका है। 3529 इज़ द टोटल प्राइस, जिसमें जो मैंने फ्रंट टायर का जो मडगार्ड की यहाँ पे लगाना था उसका 381 रुपीज़ लगाया है, वो दैट इज़ इंस्टॉलेशन। 3 स्क्रूज पे रहता है बट मैं थोड़ा कंसर्न था इसलिए मैंने खुद नहीं किया, अदरवाइज मैं खुद कर देता। ड्रिल विल करके वो प्लास्टिक पार्ट था तो वो करके वो लोग ने वो पूरा वॉशिंग के बाद में किया। देन दिस इज़ गुड, मुझे बोला गया था कि जो शाफ्ट का ग्रीसिंग वगैरह होता है वो 3000 के आसपास आता है, बट वो उतना कॉस्टिंग नहीं है उसका। यहाँ पर लिखा हुआ है 1524 रुपीज़, तो 1500 समथिंग है प्लस GST वगैरह लगता, तो ऑब्वियसली उसके वजह से। और जो मुझे पता था यहाँ पे बिग बाइक शोरूम में आप या सर्विस सेंटर में अगर आप वॉशिंग करते हो तो वो प्राइस देख के आप हिल जाते हो। ये मेरे साथ V-Strom के टाइम पे हुआ था। V-Strom में बहुत ज़्यादा मैं बोला अरे क्या कितना वॉशिंग कर रहे हो, बिकॉज लोकली इफ़ वी गो देन 150-200 मैक्स रहता वॉशिंग का, एंड इफ़ यू गो टू अ डिटेलर तो वो लोग तो डीप क्लीनिंग करके देंगे 700-800 रुपये अगर आप दोगे तो, हर एक कोना ब्रश से वो लोग क्लीन करते। तो यहाँ पे नॉर्मल वॉशिंग थी, बहुत सारा मड था गाड़ी में रेडिएटर के यहाँ पे एंड ऑल दैट। मेरे यहाँ पे लोकल जो वॉशिंग वाला था उसके पास लास्ट 2-3 दिन से टाइम नहीं था, उसके पास डिटेलिंग बहुत चल रहा था तो वहाँ पे नहीं कर पाया था। एंड हम लोग अभी कल परसों में राइड के लिए निकल जाने वाले हैं तो टाइम भी नहीं था, तो इसके लिए वॉशिंग किया। 762 रुपीज़ प्लस GST उसके ऊपर लगेगा। यस गाइस, 762 फॉर वॉशिंग तो करवा लिया। ग्रीसिंग क्यों करना पड़ता है, दिस इज जस्ट लाइक अ चेन क्लीनिंग एंड ल्यूब फॉर अ शाफ्ट ड्राइव एंड दिस इज़ गुड। एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी थी, मैं 4,500 किलोमीटर चलाया था तो बारिश वगैरह भी थोड़ी बहुत लगी थी, तो आई डिड नॉट वॉन्टेड टू टेक अ चांस, इसलिए पूरा ग्रीसिंग अच्छे से करवा लिया। फर्स्ट सर्विस हो रही थी तभी ऑयल डाला था, वो ऑयल इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव, वो वाला वीडियो देख लेना। बट वो ऑयल एवरी 10,000 आई थिंक 20,000 किलोमीटर पे वो चेंज होता है, 20,000, 40,000, 60,000,
तो अदरवाइज मैंने काफी जीएस में देखा है वो ऑयल जो होता है पूरा ब्लैक हो जाता है, तो फर्स्ट सर्विस में वो हो गया था। तो एवरी 5,000 दीज गाइज रेकमेंड एवरी 5,000 में करो, क्योंकि हम लोग ऐसा एनवायरनमेंट में रहता है इंडिया का, स्पेशली मुंबई का वेदर ऐसा है, आज ठंडी है 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद ह्यूमिड चालू हो जाएगा, एंड वी लिव नियर कोस्टल एरियाज, तो कोस्टल एरियाज में ह्यूमिड और रस्टिंग वाली क्वालिटीज बहुत होती है, मेटल बहुत जल्दी रस्ट हो जाता है। एंड आई हैव सीन एक जीएस वहां पे आई थी, उस बंदे ने उसको सर्विस किया नहीं था, मतलब शाफ्ट को ग्रीसिंग नहीं करवाया था, एंड दे हैड टू लाइक वर्क अ लॉट टू गेट द शाफ्ट ओपन अप, एंड वो मैंने खुद लाइव देखा। ऑब्वियसली वो किसी दूसरे की बाइक थी तो आई वॉज नॉट अलाउड टू शूट दैट, तो मैंने लिया नहीं, बट कम्प्लीटली रस्ट हो गया था। तो अगर आप इतनी बड़ी बाइक लेते हो तो अच्छे से उसको मेंटेन भी करना सीखो। सेम थिंग आई ऑल्सो टेल जो भी स्टोर पे आते हैं कि आप बाइक ले रहे हो, तो मैंने काफ़ी लोगों की चेन्स देखी लाल लाल हो जाती है, तो मेक श्योर आप क्लीन करो और ल्यूब करो आपकी बाइक की चेन को, अदरवाइज बड़ा फटका आ सकता है। तो इसलिए मैंने बड़ा फटका बचने से अच्छा मैंने सोचा अपना ग्रीसिंग करवा लेते हैं, बिकॉज ये राइड हम लोग की बहुत एक्साइटिंग बहुत लंबी होने वाली है। एंड ऑब्वियसली जब भी और डिफरेंस है, अभी मैं अगर थ्रॉटल दे रहा हूँ तो एकदम बहुत अच्छे से पिकअप ले रहा है, अभी बहुत मज़ा आने वाला है। ग्रीसिंग वीसिंग होगी दोनों की बाइक, मेरी अप्सरा रेडी है, किरण का गब्बर भी रेडी है, तो दोनों बाइक्स में बहुत मज़ा आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड रहिए गाइज, अगर ये वीडियो में से आप लोग को कुछ अच्छा मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अंटिल देन ऑलवेज वेयर हेलमेट एंड कीप ग्रूमिंग।